रायगढ़ अटल विहार आवासीय परिसर कोतरा रोड के निवासियों ने आज दोपहर करीब 12 बजे गृह निर्माण मंडल कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने आए परिसर निवासियों ने बताया कि गृह निर्माण मंडल के अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि उन्होंने अपनी बनाई कॉलोनियों की समस्याओं से कोई लेना देना तक नहीं है। ऊंची कीमतों पर अपने बनाए कॉलोनियों के घर बेचने के बाद वे कभी झांकने तक नहीं आते कि कॉलोनी वासी किस तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। अटल विहार आवासीय परिसर से आए रहवासियों में महिलाओं की संख्या अधिक है। महिलाओं का कहना था कि आवासीय परिसर की समस्याओं को लेकर वो वर्ष 2018 से लगातार मंडल कार्यालय आ रही हैं, लेकिन गृह निर्माण के अधिकारियों ने आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया है। वहीं आपको अगर कॉलोनी की समस्याओं के बारे में बताएं तो बिजली, पानी की उपलब्धता और साफ सफाई का इस कॉलोनी में अभाव प्रमुख है। सर, आपका नाम? आप यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आए थे, गृह निर्माण मंडल विभाग में आप आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आए सर, क्या मामला है? हम लोग रोड से आए हैं जी, और वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है। उससे पहले भी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया था शर्मा साहब को, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं निकला है। तो इससे पहले भी आवेदन दिए हैं क्या? पहली बार? इससे पहले भी हम लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ है। अच्छा। रायगढ़ से केके डी न्यूज संवाददाता नवरतन शर्मा की रिपोर्ट।